नमस्कार, मैं विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं भारत के और अदर कंट्रीज के सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे इस चैनल को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, लाइक दिए हैं और व्यूज दिए हैं। तो मेरे किसान भाइयों, जब भी आप मेरे इस चैनल को लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है, उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेरे किसान भाइयों, मैं एक किसान हूँ और किसान का हेल्प करना आपकी बात है। मेरे को बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लाइक चाहिए, व्यूज चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री रहता है। तो किसान भाइयों, ये जो देख रहे हो, ये किसान जो हमारे गांव के अंदर है कालू राम जी, तो कृषि यंत्रों के लिए एक ये देखो कि स्टोर रूम बना रखे हैं, एक तरह का गैराज बना रखे हैं। तो इस गैराज के अंदर इन्होंने बहुत तरीके से काम कर रखे हैं, जैसे ये खेत के अंदर बड़ी फंटे चाहिए तो इन्होंने अलग से सुविधा बनाई है कृषि यंत्रों के लिए। तो ये देख लीजिए आप, बड़ी फंटे पड़े हैं, ये काम कृषि में जो भी काम आए तो आराम से उठा लिया, काम कर लिया, ये खराब नहीं होता है। ये जो गैराज बनाया है, गैराज बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने। देखो ड्रिप के बंडल पड़े हैं, ये स्प्रे करने की मशीन है, और इधर चलते हैं गैराज की साइड इस तरफ, तो ट्रैक्टर आराम से छाया के अंदर ट्रैक्टर भी खड़ा है, आराम से कोई खराबी नहीं है। और कालू राम जी बुजुर्ग हो तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से अपने कृषि यंत्र को जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। और इधर देखते हैं तो ये जनरेटर है, ये जनरेटर देख लीजिए, बिल्कुल ये जनरेटर है। और इधर देख लीजिए ट्रॉली है। तो किसान भाइयों, ये हम मेहनत कर और ये कृषि यंत्र बसाते हैं और ये खुले में छोड़ देते हैं, तो बारिश बरसती है, मैं आंधी तूफान आता है, तो इनमें कृषि यंत्र खराब होने का डर रहता है। तो हम किसान भाई अगर अलग से कोई गैराज बना ले और गैराज के अंदर इन सामानों को सुरक्षित जगह पर रख दे तो हम अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए इनके कालूराम जी के पास दिक्कत भी है, जो सब्जी जो ज़्यादा करते हैं तो खुद की गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं, तो किराए का बच जाता है। और ये बेड़ बनाने की ये जो देख रहे हो, ये मशीन है बेड़ बनाने की, और ये खाद के कट्टे पड़े हैं, और ये देख लीजिए ये खाद के कट्टे भी इनके ख़राब नहीं होते हैं। और ये देख लीजिए DAP के पोटास के कट्टे पड़े हैं, और कैरेटें पड़ी है, और ये जो कड़वी आती है बाजरा, तो बाजरा काटने की खुद की स्विम की मशीन है। और ये देख लीजिए प्लाउ है, बहुत अच्छे तरीके से नए ज़माने की प्लाउ है। और ये मशीन बनाई है चारा, हरा चारा काटने की बहुत अच्छी तरह की मशीन है, नई टेक्निकल की मशीन है, ये मशीन भी बहुत है अच्छी है। तो कृषि यंत्र के बहुत ही अच्छी देख रेख है कालू राम जी की। और ये देख लीजिए मूंगफली पाड़ने का ये यंत्र है, पास इसको पास बोलते हैं। तो कालू राम जी ने ये जो स्टोर रूम बनाया है, ये बहुत ही अच्छा सोच समझ कर स्टोर रूम बनाया है। ये देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, आप भी ऐसा स्टोर रूम बनाकर अपने कृषि यंत्र को सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि ये मेहनत से बसाए यंत्र है। अगर ये बाहर धूल मिट्टी के अंदर हवा पानी इन पे गिरता है तो ये जंग खा जाता है, जंग के कारण इनके जो बेरिंग्स है, बुश है, ये खराब होने का डर रहता है। तो कृषि यंत्रों का भी जो संभालते हैं अपन, तो इनका देख रेख बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो कालू राम जी बहुत ही अच्छे सक्षम किसान है और ये हमारे एरिया के अंदर बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो मैं इन्हीं के विचारों को देख कर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरह से कृषि यंत्रों को संभालते हैं कालू राम जी, बहुत ही अच्छी तरह से। तो मेरे किसान भाई, ये एक किसान का चैनल है, आप कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये बिल्कुल फ्री रहता है। किसान को आप सपोर्ट करें, भारत के हर किसानों को आप सपोर्ट करें, जिससे किसानों का जीवन उज्ज्वल भविष्य हो। तो धन्यवाद मेरे किसान भाई, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप करें, और जो रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ था आप सब्सक्राइब जरूर करें आप मेरे चैनल को, और बगल के अंदर जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि के जो वीडियो है वह आप तक आसानी से पहुँचे, और मेरे नए कृषि अनुसंधान आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।